गाइस कैसे आप सभी लोग आ गए हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको बताऊंगा स्पेसिफिकेशन हमारे नए फ़ोन के ऊपर जो है हमारा माइक्रोमैक्स इन वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू कर देते हैं हमारे बैटरी के ऊपर से। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 18 वाट का फास्ट चार्जर, बाद में 5000 mAh की बैटरी, बाद में मेरे ख्याल से तो बड़ी बैटरी दे रखी है। अभी प्राइस बताऊंगा तो आप चौंक रह जाएंगे कितने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं इसमें। बाद में टाइप सी का यहाँ पे केबल मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करें कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे अगर हमको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें जो मेन कैमरा है वो रहेगा हमारा 48 मेगापिक्सल का, बाद में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग स्क्रीन की, तो यहाँ पे 6.6 इंच का FHD+ डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाद में अगर सेल्फी कैमरा की बात करा दें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पंच होल 8 मेगापिक्सल कैमरा, जो मेरे ख्याल से इतने प्राइस पॉइंट पे कोई जो पंच होल कैमरा है वो कोई नहीं दे रहा। यहाँ पे सब नॉच दे रहे हैं, वो भी वो सैमसंग वाला यू नॉच और वी नॉच। मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है। बाद में अगर हम बात करें हमारे नए वाले एंड्रॉयड 11 की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि मई के अपडेट मई में जब अपडेट आएगा तो वहाँ पे आप एंड्रॉयड 11 पे जो है वो जंप मार पाएंगे, मतलब एंड्रॉयड 11 उसमें आ जाएगा। बाद में अगर प्रोसेसर की बात करें इस प्राइस पॉइंट रेंज में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहाँ पे जो हीलियो टेक का जो प्रोसेसर आता है, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, वो मेरे ख्याल से इतने प्राइस पॉइंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इतने प्राइस पॉइंट के रीच में आपको मिल जाता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो मेरे ख्याल से इतने प्राइस पॉइंट पे किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा। बाद में कैमरा की बात करें तो 14 मेगापिक्सल भी सही है, क्योंकि ये 6 to 7000 बजट फ़ोन में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। बाद में आजकल के स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स में अभी तो उनका क्लास ही चल रहा है, और जो आते हैं गेम्स और गेमिंग करने के लिए, तो अगर आपको एक छोटा सा बहुत ही ज़्यादा ही कम बजट फ़ोन चाहिए रहता है 10,000 या फिर 9,000 के अंडर, तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इतने प्राइस पॉइंट के रेंज में आपको एक अच्छा सा प्रोसेसर, एक FHD+ स्क्रीन देखने को मिल रही है, एक 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल रही है, जो मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट दे रखा है इन लोगों ने इतने प्राइस पॉइंट रेंज में, जो है हमारा माइक्रोमैक्स इन वन। कलर्स भी, और जो बैग आती है उसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वो भी एक अलग से ही एक अच्छा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करें इसके बैग की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल रही है, जिसमें आपको एक अच्छा शाइनी मटेरियल देखने को मिल जाता है, जो एक्स लिखा हुआ होता है, और वहाँ पे एक शाइन शाइनी सा मटेरियल दिया रखा है। तो कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं किसी और कहीं नई वीडियो में। टिल देन बाय। हे गाइस कैसे आप सभी लोग, आ गए हम लोग एक